और बाइडन की जिहड़ी एक टर्म है इहदे ते उन्होंने खूबसूरती नाल इह कहा, उन्होंने कहा कि अमेरिका वॉज क्लोजिंग चैप्टर ऑन रिलेंटलैस वॉर, कि जिहड़ी ना मुक्कण वाली वॉर सी सब तो वड्डी अफगानिस्तान, वह असी चैप्टर बंद किया आफ्टर एग्जिट इट्स एग्जिट फ्रॉम अफगानिस्तान द एंड दैट इट वॉज ओपनिंग ए चैप्टर ऑन डिप्लोमेसी डिवेलपमेंट एंड रिन्यूइंग डेमोक्रेसी। और उन्हें ये बड़ा क्लीयरली एंटोनियो गुटेरेस के जवाब दे विच क्या है कि वी आर नॉट सीकिंग ए न्यू कोल्ड वॉर और वर्ल्ड डिवाइडेड इनटू रिजिड ब्लॉक्स, और ये जड़ा है असी द यूनाइटेड स्टेट्स इज रेडी टू वर्क विद एनी नेशन दैट स्टेप्स अप एंड परस्यूज पीसफुल रेजोल्यूशन टू शेयर्ड चैलेंजेस इवन इफ वी हैव इंटेंस डिसएग्रीमेंट इन अदर एरिया। दूजे पास सिस्टम की गल करते हैं भी अपने आप के जोड़े प्रिंसीपल्स ने अमेरिकन ज उन्होंने यूनिवर्सल प्रिंसीपल्स क्या है, और उन्होंने कहा जी साड़ी फाइट यूनिवर्सल प्रिंसीपल्स एंड परस्यूट ऑफ नेकेड पोलिटिकल पावर हैंडल डिस्प्यूट्स विद डायलॉग एंड कोऑपरेशन शी जिनपिंग एंड यूएन जनरल असेंबली मीट। उन्होंने कहा कि भी ये जड़ा है हिज नेशन लोंग टाइम पॉलिसी ऑफ मल्टी लैटरलिज्म टेलिंग वर्ल्ड लीडर्स एट यूनाइटेड नेशनस दैट डिस्प्यूट्स अमंग कंट्रीज नीड टू बी हैंडल थ्रू डायलॉग एंड कोऑपरेशन, कि भी जो असी कामयाब हैं इहदा मतलब ये नहीं है कि भी असी किसी मुल्क की नाकामयाबी जां उन्हूं फेल हुंदा देखना चाहते। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अस्सलाम वालेकुम आदाब बर्ज, मैं तुहाडी होस्ट नीनू कौर। मैं टीवी दी फोड़े सारे दर्शकों ते श्रोतियां नूं जी आयां कहिंदियां प्रोग्राम सचो सच विच, जिहड़े इस प्रोग्राम नाल देशां विदेशां तों जुड़ चुके ने। खालसा ऑन अफेयर सेंटर दे संचालक डॉक्टर अमरजीत सिंह जुसाने इस तरह स्टूडियो विच मेरे नाल मौजूद ने। आओ नाल गल्लबात करके अज दे एमिशन सुपर उहनां तों उहनां दा तबसरा जानदे आं जी। डॉक्टर साहब वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। हाँ जी नीलम कौर जी, तुहानू भी ते दुनिया भर च बैठे साडे बहुत ही प्यारे सोहणे सियाणे टीवी 84 दे व्यूअर्स नू भी वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह, ते साडे बहुत ही प्यारे मुसलमान भैणां भरावां नू अस्सलाम अलैकुम जी। डॉक्टर साहब जी आनु प्रोग्राम सचो सच विच बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब आज 21 सितंबर 2021 सत असू नानकशाही संबंध 553 ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਓ ਵੀਅਰਸ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਪੈਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਟੀਵੀ ਦੀ ਫੋਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਪੈਕਟਰਮ ਕੇਬਲ, ਆਰਸ਼ਨ ਕੇਬਲ, ਬੈਲਫਾਮ ਕੇਬਲ ਕੈਨੇਡਾ, ਰੋਕੂ ਜਾਦੂ ਬਾਕਸ, ਅਸ਼ਾਵਾ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਐਂਡ ਆਈਪੀ ਬਾਕਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਊਅਰਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਨਾਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਤਵਾਦ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਐਪ ਨੂੰ ਐਂਡਰਾਇਡ ਐਂਡ ਐਪ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਜੋ ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 24 hours ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਊਅਰਸ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਪੌਂਸਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੈਟਲ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਚਾਣੀਏ, ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਮੁਤਾਬਕ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਰਿਸੋਰਸ ਤੋਂ ਥੁੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਟੀਵੀ 84 ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਏ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਖਸ਼ੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਊਅਰਸ ਸਪੌਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਤੈਅ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪੌਂਸਰ ਕਰੋ। ਸਪੌਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 5166619184, ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ info@tv84.tv ਤੇ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਅਤੇ UN ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਹਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ
जड़ा हर मसले जड़ा हल है वो जड़ा गलबात राही वो करना चाहते हैं। सो चीन के प्रेजिडेंट शी जिनपिंग ने भी सांझा जां सांझ ते प्यार दी जड़ी वो गल की है, पर हकीकत यह है कि ये जड़े दोवें मुल्क ने हौली हौली जड़े टकराव के रस्ते विच वल जड़े ने वध रहे ने। सो ये टकराव चीन नाल लगते समुद्री पानिया विच अड अड टापुआ के कब्जे नूं लैके जड़ा है वह होएगा। सो इस बारे आप गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं स्टार्टिंग तों लैके एंड तक साडे नाल इसे तरह बने रहना। देखण सुनण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की विचार ने इस मुद्दे बारे? देखो सब तो पहले तो असीं प्रोग्राम के शुरू के दसना चाहते हैं जिवें अज दी मीडिया खबरां ने कि गुरद्वारा फतेहगढ़ साहब जिहड़ा वो इतिहासक मुकाम है छोटे साहिबजादियां दी माता गुजरी जी की शहादत दा, और उत्थे बहुत चंगे कथावाचक ज्ञानी हरपाल सिंह, क्योंकि टीवी 84 ते सवेरे और शाम लगातारता नाल असी लाइव टैलीकास्ट करते हैं, सवेरे आसा दी वार कीर्तन, शाम नूं रह रास्ता दीवान, और उस खास तौर पर ज्ञानी हरपाल सिंह उरां दी कथा हुंदी है। और जिहड़ियां खबरां ने उन्हां मुताबक वह पिछले कल तरन तारण साहब तो कथा करके जदों वापस फतेहगढ़ साहब आ रहे सी ते राह च उन्हां दी वहीकल एक सड़क दे कंडे खड़े वड्डे ट्रक दे नाल टकराई और वह जख्मी होए। उन्हां दा ड्राइवर भी जख्मी है, हालांकि यह भी है कि आउट ऑफ डेंजर ने, हालांकि उन्हां दी रिब्स नूं कुछ जिहड़ी है जरब आई है। सो असी समझदे हां, और वह बहुत ही विद्वान भी ने, श्रद्धा नाल भरे हुए ने, और उन्हां दे जिहड़े बोल ने वह अजोके यूथ लई भी, जिवें वह अज जिहड़े कौम दे सामने चैलेंजेस ने, हालां श्रोमणी कमेटी की नौकरी च हुंदे आ तुसीं खुल के अपने कौमी कारजां अपने हक्कां की गल नहीं कर सकते, पर फिर भी उन्हां दा ये अंदाज हुंदा है कि वह अजोकियां समस्यावां नूं भी फेथ नाल जोड़ के बीते इतिहास नाल जोड़ के जिहड़ा वह बयांदे ने। सो असीं गुरु चरणां च अरदास करदे हां कि वह छेती रिकवर हो के वापस संगतां दे विचकार आण, और जिथे उन्हां दी कथा का आनंद फतेहगढ़ साहब दी सिख संगतां माणदियां ने, टीवी 84 राहीं इस वेले दुनिया भर च उन्हां दे एडमायरर ने, उन्हां नूं चाहण वाले ने। सो असीं गुरु चरणां च अरदास करदे हां कि उन्हां दी स्पीडी रिकवरी होए। अज दा प्रोग्राम जिवें तुसीं दस्सिया, सिएटल तों वीर नछत्तर सिंह जी ने जिहड़ा उह स्पोंसर कीता है। इह बहुत प्यारा परिवार है, और जदों मैं सिएटल तों वापस आ के प्यारे परिवार दियां बच्चियां दी गल कीती सी तो उन्हां दी ही वड्डी बेटी जिहड़ी कि PhD कर रही है और है भी इस दे उत्ते कि किवें जदों 19वीं सदी दे अखीर च सिख अमरीका च आए उदों तो हुण तक 125 साल च रेसिज़म और सैगरीगेशन और हेट क्राइम्स किस किस पड़ाव चों गुजरे ने, और उन्हां दा सब्जेक्ट ऑफ स्टडी जिहड़ा है उस दे विच औरतां दे नाल होण वाली डिस्क्रिमिनेशन भी है, और वो बड़ी वोकल बच्ची है। जिन्हें भी प्रोटेस्ट किते भी हुंदे ने, ये नहीं कि साडे प्रोटेस्ट जिहड़े असीं इंडियन गवर्नमेंट दे खिलाफ करदे हैं, जिहड़े मेन स्ट्रीम दे विच भी जिथे डिस्क्रिमिनेशन और दूसरा उहदे च शमूलियत करदे ने, इस तरह उन्हां दीआं दूसरियां बच्चियां भी ब्रिलियंट ने। आप बड़े प्यारे गुरसिख, और तुसीं भी तुसीं शायद सिएटल तां नहीं गए, और जदों नगर कीर्तन हुंदा उन्हां दा समुच्चा परिवार, उन्होंने एक वड्डा टेंट लाया हुंदा है, और उस दे विच जिवें निष्कामता नाल उह सेवा करदे ने, साढ़े नाल उन्हां दी बहुत जिहड़ी अंदरूनी खिच वाला प्यार है। वह इस किस्म दे ने जिहड़े सामने नहीं आना चाहते हुंदे लेकिन पंथ दे प्यार नाल सरशार ने। सो उन्होंने दिल खोल के टीवी 84 नूं जिहड़ा है वह हमेशा ही जिहड़ा है वह मदद कीती है, और अज दे प्रोग्राम नूं भी उन्हां वल्लों स्पोंसर कीता गया। असीं उन्हां दा शुक्रिया अदा करदे हां। असीं न्यूयॉर्क शहर च बैठे हैं, दुनिया दी सिर्फ कमर्शियल कैपिटल ही नहीं है, इत्थे ही नहीं है भी वॉल स्ट्रीट च बैठे निके निके सिर दे उत्ते जिहड़ियां टोपियां साडे यहूदी जिहड़े सारे ने उह रन करदे ने दुनिया नूं किवें, लेकिन न्यूयॉर्क नूं इक होर जिहड़ी डिस्टिंक्शन यूनीक पछाण है न्यूयॉर्क दी कि वह दुनिया की सब तो वड्डी पंचायत जिदे 194 देश मैंबर ने उसका हैडक्वाटर भी है, और यही कारण है कि जिहड़ा एनुअल सैशन सालाना सितंबर के महीने च हुंदा
जनरल असैम्बली का जिद 194 देशों के प्राइम मिनिस्टर प्रेजिडेंट जो फॉरन मिनिस्टर शमूलीयत करते हैं उसका अज आगाज़ होया। और जिमें पहले दिन जोड़ा दो स्पीचेस की होंदिया ने जहाँ के जाहिर है कि यूनाइटेड नेशन सैकटरी जनरल जोड़े मिस्टर एंटोनियो गुटरस उन्होंने इंटरव्यू भी पहला मीडिया को दिता है जिन्हों असी कल डिस्कस किया कि जिमें उन्होंने सब तो वड्डी वार्निंग उन्होंने ये दोनों ही जड़िया इस वेले सुपर पावर्स ने अमेरिका और चाइना उन्होंने कहा सी कि भी तुसी एक संसार नू एक होर कोल्ड वॉर वल धक रहे हो। और उन्होंने लफज सी कि ये जड़ी अमरीका और चीन की रिलेशनशिप है ये कंप्लीटली डिसफंक्शनल एग्जैक्ट उन्होंने लफज ने कंप्लीटली डिसफंक्शनल कि यह सब टुटिया है। सो जाहिर है कि उन्होंने ये तो इंटरव्यू किया सी और अज जदों उन्होंने एड्रैस किया यही गल उन्होंने दोबारा की। और यूएन सैकटरी जनरल तो बाद जो एड्रैस होंगे वो अमेरिका के प्रेजिडेंट का होंगे। वैसे भी फंडिंग भी यूएन नू ज़्यादा देंदे ने लेकिन ये टेरीटरी भी अमेरिका की है। सो ये इंपॉर्टेंट होंगे बहुत सारे और वो अगले साल का ट्रेंड सैट करता है कि दुनिया किस डायरेक्शन च जाएगी। और उस तो बाद फिर जो सारे ही 194 देश मैंबर ने हालां एक अंदाजे मुताबक दुनिया च इस वेले 250 के करीब देश ने मुल्क ने और उदे च कुछ ने तो वह ने जिन्हां दे कोल क्राइटेरिया तो है कि वह मुल्क के तौर पर रैकगनाइज होण पर उन्हां नूं मानता नहीं दित्ती हुई। कुछ वह ने जिहड़े हुण तुसीं देखोगे कि भी जिहड़े यूएन दे मैंबर ने 194 देश पर जे तुसीं ओलंपिक्स दे विच जिहड़े पार्टिसिपेट करन वाले ने तो वह फिगर 200+ दे उत्ते चली जाती है 213 या 214 मुल्क ने। इस तरह जे फिर तुसीं स्पोर्ट्स ओलंपिक तो बाद फीफा जिहड़ा सॉकर दी वड्डी बॉडी है फुटबॉल दी उस दे हवाले नाल देखोगे तो उहदे च क्लोज टू 250 250 दे करीब मुल्क जिहड़े ने उहदे च पार्टिसिपेट करदे ने। सो ये एक अलग पार्ट है कि भाई किवें जिहड़े मुल्कां नूं हुण जिवें कोसोवो है कोसोवो ने अपनियां वोटां करा के वो रेफरेंडम राही वो सैपरेट भी होए पर अजे तक उन्होंने यूएन ने मुल्क वजों मानता नहीं दिती हालां अपनी कैपैसिटी लोकल उन्होंने नाल ट्रीट करते हैं जिवें भी है इवें ही ये जिहड़ी प्रोसैस है। सो लेकिन ये कोई शक नहीं है कि दूसरे संसार युद्ध तो बाद सैकंड वर्ल्ड वॉर तो बाद यूनाइटेड नेशनज होंद विच आई फस्ट वर्ल्ड वॉर तो बाद लीग ऑफ नेशनज बनी सी लीग ऑफ नेशनज फेल हुई जे लीग ऑफ नेशनज कामयाब होंगी तो फिर ये नहीं सी कि भी लगभग जे तुसी 1918 फस्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होंदा है ट्रीटी होंदी है और उस तो बाद 1939 असी देखते हैं कि आलमोस्ट 20+ ईयरस दे विच दूसरा वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है और वो लगभग 6 साल चलता 1945 एंड होंदा है। और ये उस तो फौरन बाद 50+ मुल्क सैन फ्रांसिस्को उन्होंने नुमाइंदे इकट्ठे होंगे ने और यूनाइटेड नेशनस की नींह रखी जाती है। चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स भी उदों ही बनता जो 10 दसंबर का दिन सी और उस दे नाल उदों इहदे लगभग 50 मुल्कां दे नाल इसकी शुरुआत हुई। फिर असी देखते हैं कि उस तो पिछले 75 सालों किन्ने नवे मुल्क बने सोवियत यूनियन टुटिया 15 मुल्क बन गए यूगोसलाविया के 7 के 8 बने इस तरह जड़े ने होर भी उन्हां दी गिणती पहला जेडे कॉलोनीज सी अमरीका इन्हां दीआं ब्रिटन दी जां फ्रांस दीआं 1950 तो 1960 तक पहुँचते हैं वो अड मुल्क बने फिर उन्होंने कोल मैंबरशिप आई 60 के करीब कॉलोनीज का इन दियाँ यूके दियाँ ही यूनाइटेड किंगडम दियाँ जिन्हें इंडिया पाकिस्तान भी बाद दे विच ही मैंबरशिप जिहड़ी है उन्होंने मिलती है। सो ये सारा जो असी पार्ट देखते हैं तो फिर ये भी होप होंगी है कि भाई यूएन ने किया की है करना की है। कल भी का जिक्र किया मैं बहुत ये नहीं फोकस कराँगा पर ये कोई दो रावां नहीं है कि घट्टो घट इन 75 सालों जे असी 45+ जिहड़ा 45 तो बाद 47 तो काउंट करिए कि घट्टो घट तीसरी वर्ल्ड वॉर नहीं हुई उदे होर भी रीज़न हो सकते ने न्यूक्लीयर पावर का डिवेलप होना और हौली हौली 5 पावर जिहड़ियां न्यूक्लीयर पावर्ड ब्राह्मण बने
ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਆਏ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੀ ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਡੈਟਰੈਂਟ ਹੈ ਪਰ ਇਸ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਐਕਸਪੀਡੀਸ਼ਨਸ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਲੀਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੈਂਡੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਰਾਕ ਵਾਰ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਹਾਲਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ 9/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜਾਂ ਨੈਟੋ ਦਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂਡੇਟ ਸੀ ਯੂਐਨ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਵਕਤ ਅਨਸੋਲਵਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਜਾਨਾਂ ਲਈਆਂ ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਯੂਐਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਡ ਅੱਡ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵੀ ਬਣੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨੀਵਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ ਯੂਐਨ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵੀ ਬਣੇ ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹਨੇ ਆਲਮੋਸਟ 50 ਸਾਲ ਲਏ ਕਿ ਉਹ ਰੈਟੀਫਾ ਉਹ ਸਾਈਨ ਕਰੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਟੋਰਚਰ 1996-97 'ਚ ਉਹਦੇ ਆਈਕੇ ਗੁਜਰਾਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਰੈਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਥਾਣਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਗਰੁੱਪਸ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੇ ਕਿ ਐਵਰੀ ਪਰਸਨ ਹੂ ਇਜ਼ ਅਰੈਸਟਡ ਇਜ਼ ਟੋਰਚਰਡ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਔਰ ਮੈਂਟਲੀ ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਟੋਰਚਰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੋਰ ਪਾਰਟ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਐਨ ਮਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੀਸ ਕੀਪਿੰਗ ਫੋਰਸਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਐਨ ਦੇ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦੂਸਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਨੇ ਵਿਤਨਾਮ ਕੰਬੋਡੀਆ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਵੇਲੇ ਪੀਸ ਕੀਪਰਸ ਨੇ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਲ ਫੋਰਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯੂਐਨ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਪੁਰਤਗਾਲ ਓਰੀਜਨ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨੋਬਲ ਸੋਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਕਾਇੰਡ ਵੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬੁਟਰੋਸ ਗਾਲੀ ਸੀ 1992-93 'ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਟਰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬਰਮਾ ਦਾ ਸੀ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦਾ ਯੂ ਥਾਂਟ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੌਫੀ ਅਨਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੂ ਟਰਮਸ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀ ਇੱਕ ਮੋਰਲ ਅਥੋਰਿਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕਹੀ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟਰੇਸ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਓਪਨਿੰਗ ਰਿਮਾਰਕ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਵੱਲ ਧੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਰਸਟ ਹੈ ਔਰ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਡਿਸਫੰਕਸ਼ਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਸੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਕੰਸਰਨ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸਪੀਚਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਐਲਫਾਬੈਟੀਕਲੀ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਏ ਬੀ ਸੀ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਕਦੋਂ ਕਿਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੀ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਤਾਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਫਰਾਈਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 25 ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਸੈਚਰਡੇ ਹਾਂ ਸੈਚਰਡੇ 25 ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ ਉਹਨੇ 25 ਨੂੰ ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਹਾਲਾਂ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡਡ ਮੈਸੇਜ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਰਿਸਪੋਂਸ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਫੌਰਨ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਟਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਲਕੀ ਟੰਗ ਹੁਣ ਸਿਲਕ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰੇਸ਼ਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਓਇਲੀ ਟੰਗ ਕਿ ਜੀਭ ਨੂੰ ਤੇਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੌਣ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਂ ਬੜਾ ਰਿਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਆਖਾਂ ਧੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਗੱਲ ਕਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੈਟਰਿਕ ਸੀ ਉਹ ਟੋਨਡ ਡਾਊਨ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਕੌਣ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਸਤਾ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਯੂਐਨ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਫੰਕਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਬਣਾਓ ਡਾਇਲੋਗ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਪਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਚੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੇ
गलबात अल्टीमेटली इसे ते ही मुकाई कि जी जड़ा वो गलबात नैगोशिएशन और बाइडन की जड़ी एक टर्म है ये उन्होंने खूबसूरती नाल कहा, उन्होंने कहा कि अमेरिका वॉज क्लोजिंग चैप्टर ऑन रिलेंटलैस वॉर, कि जी ना मुकण वाली वॉर सी सब तो वड्डी अफगानिस्तान, वो असी चैप्टर बंद किया आफ्टर एग्जिट इट्स एग्जिट फ्रॉम अफगानिस्तान द एंड दैट इट वॉज ओपनिंग ए चैप्टर ऑन डिप्लोमेसी डिवेलपमेंट एंड रिन्यूइंग डेमोक्रेसी, कि असी रिलेंटलैस वॉर जी है ख़त्म की है तो रिलेंटलैस जी डिप्लोमेसी है असी उदे वाल मुड़ रहे हैं और असी जड़ा इस दे विच डिप्लोमेसी डिवेलपमेंट और दूसरा, और उन्हें ये बड़ा क्लीयरली एंटोनियो गुटेरेस दे जवाब दे विच क्या है कि वी आर नॉट सीकिंग ए न्यू कोल्ड वॉर और वर्ल्ड डिवाइडेड इनटू रिजिड ब्लॉक्स, और ये जड़ा असी द यूनाइटेड स्टेट्स इज रेडी टू वर्क विद एनी नेशन दैट स्टेप्स अप एंड परस्यूज पीसफुल रेजोल्यूशन टू शेयर्ड चैलेंजेस इवन इफ वी हैव इंटेंस डिसएग्रीमेंट इन अदर एरियाज, और ये एक पॉजिटिव रिस्पोंस सी। हालां जिवें मैं कहा कि भी ये तां सिल्की टंग वांग डायलॉग दी गल है, पर जिहड़े फिर उन्होंने अल्टीमेटली निशाने साधे वो तो हुण उस तो एन यूएन इस जनरल असैम्बली सैशन तो पहला ऑकस जिहदे च आस्ट्रेलिया यूके यूएस उहदे च न्यूक्लीयर सबमरीन देण दी गल जाहिर है, तुसीं उस खिते नूं न्यूक्लीयर उस पासे वल भी तक दिता है, और इहदे बावजूद ये कह के कि जी असी रिलेंटलैस वॉर्स का चैप्टर खत्म कर दिता है तो रिलेंटलैस डिप्लोमेसी का चैप्टर शुरू किया है, पर नाल दी नाल उन्होंने कहा ही सैड अमेरिका वुड कंपीट विगोरसली एंड विल स्टैंड अप फॉर इट्स एलाइज एंड अपोज अटैम्प्ट्स बाय स्ट्रोंगर कंट्रीज टू डोमिनेट वीकर वंस वाया चेंजेस टू टेरिटरी बाय फोर्स इकोनॉमिक कोएर्शन टेक्नोलॉजिकल एक्सप्लॉयटेशन और यूजिंग इनफॉरमेशन। हुण ये चारों पंजों जिहड़े लफ़ज़ ने जे तुसीं देखो तो चीन दे उत्ते ही टिकाए हुए ने कि भाई वो अपने गुआंढियों नूं धमकांदा फोर्स नाल आर्थिक वन बैल्ट वन रोड के थले जिहड़ा इकोनॉमिकल कोई देना है ग्रांट्स उन्हूं इकोनॉमिकल कोएर्शन कह रहे हैं, और नाल दी नाल जिहड़ी है टेक्नोलॉजिकल एक्सप्लॉयटेशन आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस दूजे तीजे दे हवाले नाल भी गल हो रही है, और इस सारे दे नाल उन्होंने ये अपना क्या फिर उन्होंने दूजे पासे सिस्टम दी गल करदे आ भी अपने आप दे जिहड़े प्रिंसीपल्स ने अमेरिकन जां उन्हां नूं यूनीवर्सल प्रिंसीपल्स क्या और उन्होंने कहा जी साडी फाइट यूनीवर्सल प्रिंसीपल्स एंड परस्यूट ऑफ नेकड पोलीटिकल पावर, नेकड पोलीटिकल पावर चाइना रशिया ਉਹੀ ਬਲੌਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਓਵਰਆਲ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਇੰਸਿਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਰੀਜਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਟੋ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕੁਆਡ ਅਫਰੀਕਨ ਯੂਨੀਅਨ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਪੰਚਾਂ ਦਾ ਕਿਆ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪਰ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕਿ ਆਏ ਨੇ ਪੰਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਪਰਨਾਲਾ ਚੁੱਕ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਚ ਹੋ, ਪੰਜੋ ਆਏ ਹੋ ਘਰ ਕੇ ਘਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਉਂਦੇ ਹੈ, ਪੰਜ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਆ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਪਰ ਪਰਨਾਲਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਏਗਾ, ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ, ਔਰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਰਾਨ ਔਰ ਕੋਰੀਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਟਰਨ ਬੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਡੀਲ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਈਰਾਨ ਅਸੀਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਯੂ ਐੱਸ ਵਾਜ਼ ਵਿਲਿੰਗ ਟੂ ਰਿਟਰਨ ਟੂ ਫੁੱਲ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਵਿਦ ਈਰਾਨ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਡੀਲ ਇਫ ਈਰਾਨ ਡਿਡ ਦਾ ਸੇਮ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੋਰੀਅਨ ਪੈਨਨਸੂਲਾ ਦੈਟ ਯੂ ਐੱਸ ਬਿਲੀਵਡ ਇਨ ਦਾ ਟੂ ਸਟੇਟ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ਿੰਗ ਇਟਸ ਸਪੋਰਟ ਫਾਰ ਇਜ਼ਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰੈਕਟਰਾਈਜ਼ ਐਜ਼ ਅਨਈਕਵੀਵੋਕਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਟ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹਮਾਇਤ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਡਬਲ ਲਾਈਨ ਜਾਂ ਡਬਲ ਰੋਲ ਵਾਂਗ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਗਲਾਪਨ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਦਾ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਨੇ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਖਰਗੋਸ਼ ਨਾਲ ਹੋ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕੁੱਤੇ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਨਈਕਵੀਵੋਕਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟੂ ਸਟੇਟ ਸਲਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਬਣਾ ਦਿਓ ਟੂ ਸਟੇਟ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ।
सो ये जिहड़ी है नाल दी नाल उन्होंने अपनियां प्रायोरिटीज़ जिहड़ियां ने वो दित्तियां। अफगानिस्तान का कोई बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं किया। हुण ज्यों ही ये स्पीच आई तो शी जिनपिंग जिन्होंने अदरवाइज फ्राइडे उन्होंने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने बोलना सी उन्होंने मैसेज आ गया, उन्होंने भी जिहड़ा शी जिनपिंग ने भी उसे ही राह जो बाइडन ने लिया अपनी टंग सिलकी रखी, जीभ नूं तेल भी ला के रखिया, उत्ते रेशम का गिलाफ भी चढ़ाया। हैंडल डिस्प्यूट्स विद डायलॉग एंड कोऑपरेशन शी जिनपिंग एंड यूएन जनरल असेंबली मीट, उन्होंने रिकॉर्डिड मैसेज आया और उन्होंने कहा कि भी ये जड़ा है हिज नेशन्स लॉन्ग टाइम पॉलिसी ऑफ मल्टी लेटरलिज्म टेलिंग वर्ल्ड लीडर्स एट यूनाइटेड नेशन्स दैट डिस्प्यूट्स अमंग कंट्रीज नीड टू बी हैंडल थ्रू डायलॉग एंड कोऑपरेशन। हुण कौन किनूं सुना रहा है भी यही गल अमरीका का भी तुसी कर लो फिर डायलॉग कोऑपरेशन, बाकियां नूं कहनूं वक्त पाया है, है तो तुसी सना दे भेड़ च जिहड़ा वह बाकियां दा घाण कर रहे हो कि भी तुसी गल करो, लेकिन उही जिहड़ी सिलकी टंग है। और उहदे च उहने कहा कि भी एग्जैक्ट उन्हों का बड़ी ब्रीफ मैसेज सी, अवर कंट्रीज सक्सैस डजेंट हैव टू मीन एन अदर कंट्रीज फेल्योर, कि भी जे असी कामयाब हाँ यदा मतलब ये नहीं है कि भी असी किसी मुल्क की नाकामयाबी जू फेल हों देखना चाहते। द वर्ल्ड इज़ बिग एनफ टू एकोमोडेट कॉमन डिवेलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ ऑल कंट्रीज, कि दुनिया बहुत खुली है, बहुत वड्डी है, सब दे लई जड़े रस्ते खुले ने, हर कोई जड़ा वो खुशहाल हो सकता है। और नाल दी नाल उन्हें कहा भी असी मल्टीलैटरलिज्म च यकीन रखते हैं, और क्योंकि हुण ताइवान नूं लै के दूसरियां नूं लै के चीन का क्रिटिसिज्म हुंदा है, पर नाल दी नाल हुण ये वर्ल्ड वार्निंग है अमरीका नूं, अमरीका का प्रेजिडेंट कह रहा है कि वील स्टैंड विद अवर एलाइज, उहदे च उहने क्वाड और नैटो और यूरोपियन यूनियन और सारयां दा जिक्र कीता। हुण उहदा जवाब उसे ही सिलकी टंग नाल शी जिनपिंग देंदे ने, उन्होंने कहा कि भी मिलिट्री इंटरवेंशन फ्रॉम आउटसाइड एंड सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक ट्रांसफॉर्मेशन ईमेल डेमोक्रेटिक ट्रांसफॉर्मेशन एंटेल नथिंग बट हार्म। उन्होंने कहा जे मिलिट्री इंटरवेंशन करोगे तो फिर नुकसान होएगा। यही है कि भी जे तुसी डेमोक्रेटिक ट्रांसफॉर्मेशन के जी असी सारिया नू डेमोक्रेसी बनाना उहदा नुकसान होएगा। और इस सारे दे नाल उन्होंने अपना जिहड़ा असी नाल दी नाल रिस्पोंस दे के, क्योंकि अज मैक्सिमम मीडिया कवरेज भी होंगी अज दी इवेंट दी, मुड़ के तो जिन्ने दिन च किसी ने बोलना है वो तुसी देखो सामने खाली पई होंदियां कुर्सियां, बहुते जिहड़े आए होंदे ने उन्हां दे नाल डेलीगेशन वो तो शॉपिंग कर रहे होंदे ने, जां कोई जिहड़े ने वो सेंट खरीद रहे होंदे ने, उत्थे बह के कौन सुणदा। लेकिन पहला दिन जिहड़ा फुल फ्लैश्ड होंदा, हुण जिद्दन मोदी ने भी बोलना है उन्हें वो अपने वालों हिंदी च बोलना है, नाल दी नाल अंग्रेजी हो रहा है, पर खाली पिया होंदा। पाकिस्तान दे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस बार नहीं आ रहे और उन्होंने थां शाह महमूद कुरैशी और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट का वड्डा डेलीगेशन भी ऑब्वियसली होएगा, क्योंकि एक दो जर्नलिस्ट ने साडे नाल भी कॉन्टैक्ट किया, तो असी कहा जी असी तां मोदी का स्वागत करांगे 25 तरीक सैचरडे सवेरे 8:30 बजे भी उत्थे आ जाओ। और इस तरह 24 नूं जिवें असी अगे भी दस्या सी कि वाशिंगटन DC दे विच जिहड़ा वो 10 to 12 जिहड़ा वो रख्या होया अपने साडे वीरां ने, और उहदे च बहुत सारयां दे नां ने हुण तां जिन्हां ने सपोर्ट कीता वो सारे नूं, क्योंकि उदों ही 1-to-1 मीटिंग होनी है उहदे नाल, और आफ्टरनून जिहड़ा वो क्वाड समिट भी रखी हुई है, वाइट हाउस ही होना है, सो मोदी का रुझेवा 24 नूं DC च ही होना है। और एक जिहड़ा प्रोटेस्ट है वह फिर 2-to-4 वाले स्लॉट के विच किसानां दे नां थले बनिया जिहड़ा फॉरम है ओवरसीज इंडियन के की उन्हां दा नां है उन्हां वल्लों है। हुण ये दोनों दी स्पीचिस दी असी गल कीती, UN उन्होंने एड्रैस किया, पर मैं जिवें अक्सर जिक्र करदा पैट बुकैनन बड़े राइट विंगर कंजरवेटिव जिहड़े ने वो CNN दे होस्ट एंकर और क्रॉस फायर दे विच मेन पार्टिसिपेंट सी, हुण उन्हां दा पॉपुलर कॉलम हुंदा है, और उन्हां दा अज कॉलम जदों उन्होंने इस दी गल कीती तो मैनूं ये लग्या कि भी इस सारे चों एक एक्सट्रीम राइट दे उत्ते बैठा अमेरिकन जिहड़ा है उहदी की टेक है कि अमरीका और चाइना किधर वल जा रहे हैं, और उन्हां दा अज दा कॉलम है
आर द यूएस एंड चाइना स्टम्बलिंग टूवर्ड्स एन आईलैंड वॉर, कि भी ये दोनों उस पास नहीं जा रहे कि आईलैंड वॉर, टापू असी कहने आईलैंड जजीरा कहते हैं परशियन के उर्दू के हूँ। इहदी शुरुआत तो उन्होंने की थी कि भी तुसी ये देखो, ये मिस्टर पैट बुकैनन कहते हैं कि सैकंड वर्ल्ड वॉर किवें शुरू हुई, कि जर्मन ने पोलैंड दे विच फौज भेज के कब्जा किया। जर्मन ने कहा जी ये साड़ी टैरिटरी हुंदी सी बिफोर प्रशियन एम्पायर वेले भी दूजे भी, ये साडे तो धक्के नाल जिहड़ी है और होया असी वापस लै रहे। ज्यों ही पोलैंड दे विच जर्मन फौज दाखिल हुई, ब्रिटन ने जिहड़ी है वह जर्मन के खिलाफ जंग डिकलेयर कर दिती, और फिर असी अंदाजा ला सकते हैं कि सैकंड वर्ल्ड वॉर ने किवें करोड़ां जड़ियां ने वो जाना लईयां और किन्नी तबाही हुई। और इस सारे ते बिल्ट करदे उन्होंने कहा भी हुण ये जड़ा ऑकस बनता है भी 66 बिलियन डॉलर की डील जी आस्ट्रेलिया की फ्रांस नाल सी, आस्ट्रेलिया ने कैंसल की, और जाके अल्टीमेटली मकसद की है, चीन नू घेरना पानियां दे विच। और इस सारे दे नाल ये मिस्टर पैट बुकैनन कहिंदे ने कि भी हुण जे देखा जाए कि अमरीका दे अपने मेनलैंड दे उत्ते तां कोई चाइना दा जां कोई दूसरा खतरा नहीं मंडरा रहा, अमरीका चीन दे जां इंटरनेशनल वाटर्स कह लो जां वो वाटर्स डिस्प्यूटेड वाटर्स जिन्हां नू चीन अपने कहिंदा है, और उहदे च साउथ चाइना सी होए जां इंडो पैसिफिक कह के जिहनूं हुण तोरिया जा रहा। हुण इह जिन्ने मुल्क जिहड़े अमरीका दे अलाई और जिन्हां बारे बाइडन ने कहा कि वो अपने अलाइज़ का साथ नहीं छड़नगे, हालांकि स्टेटमेंट तो सामने ही है अफगानिस्तान का जिन्ना जो रहा पार्ट या उस तो पहला वियतनाम का, लेकिन मैं उनकी स्टेटमेंट को कोट कर रहा हूँ। जेड़े आईलैंड चीन तो इनसिक्योर ने उन्हां दी मदद दे उत्ते अमरीका मदद दे अलाई ने, उन्हां दे विच वियतनाम है, मलेशिया है, फिलीपींस है, इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, ब्रुनाई है, और सब तो जिहड़ा खतरनाक है जिन्हों चीन ने कदे भी एज ए सैपरेट एक्सैप्ट नहीं, ताइवान। और ताइवान जिहड़ा 110 मील है चीनी पानिया तो, चीनी कोस्ट तो, हुण अमरीका ताइवान की भी पिट ठोक रहा है, और जाहिर है कि साउथ चाइना सी के हवाले। और इस तो इलावा जापान और चीन का एक अपना रवायती झगड़ा जिहड़ा सैनकॉकस आईलैंड के उत्ते है, जिहदे च कि जापान ने कहा कि जी जे चीन ने इस ते कीता ते असीं मिलिट्री कार्रवाई करांगे। हुण अमरीका दा जापान दे नाल अलायंस है, आस्ट्रेलिया वाला सी ऑकस की गल की। सो इस सारे नूं ही आधार बना के फिर अल्टीमेटली जिहड़ा इन्हां दा कंकलूजन है पैट बुकैनन दा, कि भी इस गल दा ध्यान रहे कि जिस डायरेक्शन दे विच ये गल जा रही है कि भी जे उदों बेशक वो पोलैंड के उत्ते सी कोई डायरैक्ट तो ब्रिटिश टैरिटरी तो नहीं सी, जर्मनी आया तो वॉर डिकलेयर कर दिती। उन्होंने कहा कि भी इदा इफ वर्ल्ड वॉर सैकंड ब्रेक्स आउट बिटवीन चाइना एंड यूएस इट इज़ लाइकली टू बी ओवर आईलैंड्स ऑफ एशिया क्लेम्ड बाय चाइना विद यूएस फाइटिंग नॉट फॉर इट्स ओन टेरिटोरी बट फॉर आईलैंड टेरिटोरी ऑफ एलाइज प्रोबेबली आईलैंड इन नो वे वाइटल टू द सिक्योरिटी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, कि साड़ी कोई सिक्योरिटी लई तां वाइटल नहीं हैगे। सो मतलब ओवरऑल पैट बुकैनन की एक्सट्रीम राइट तो हुंदिया भी ट्रंप वाली लाइन, जे ट्रंप ने जिहड़े असीं उहदे चंगे कम्मां की गल करदे हां कि उन्हें कहा भी ये साड़ियां वॉर्स ने बंद करो, इराक च भी अफगानिस्तान च भी, और उन्होंने ये कहा कि भी बहुत वरी ये पता ही नहीं लगता कि कदों इदां दी वड्डी जंग। और कंकलूडिंग उन्होंने जुमला है Which is how world powers often end their days as world powers fighting unnecessarily wars on behalf of other nations. ये अमरीका नूं बड़ी वेल्ड वार्निंग है कि जड़ियां दुनिया दियां ताकतां रहियां ने वर्ल्ड पावर्स जिन्हां दे एम्पायर रहे ने, उन्हां दा एंड उदों ही हुंदा जदों ना जरूरी जां गैर जरूरी जंगां दे विच उलझ जांदे ने, फाइटिंग अननेसैसरी वार्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर नेशन। सो कहना वो ये चाहते हैं कि ये जड़े आईलैंड्स दियाँ वॉर्स दे नूं तुसीं जड़ा जिस हद तक जा के अमरीका नूं इनवॉल्व कर रहे हो, ये साडा डिकलाइन भी करेगा, साडा नुकसान करेगा, ये साडियां साडी वॉर नहीं है। जी डॉक्टर साहब, थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया तुम अपने विचार सारे दर्शकों ना साझे किए। स्वर्थ लेने ब्रेक ब्रेक तो पहला असं अपने दर्शकों के स्रोतों हमेशा तरह बेनती कर दी, अपील कर दी कि तुम वाद TV84 की हमायत करो, सपोर्ट करो, TV84 की वाद माइक सहायता करो। तुम अपनी माइक सहायता साड़ी वैबसाइट TV84.TV जाके पेपल की वरतों करके वन टाइम डोनेट कर सकते हो, मंथली डोनेट भी कर सकते हो।
ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-01 37th Avenue Long Island City New York 11101 USA ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 516-619-1984 ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸੋ ਉੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ